बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्यारे बच्चों, हम पढ़ेंगे मज़मून योमे दिफा। इसका बकिया हिस्सा आज हम पढ़ते हैं, आधा हिस्सा हमने कल पढ़ा था। ये देखिए, पैराग्राफ से शुरू करती हैं। भारत को लाहौर पर कब्ज़ा करने के लिए बम्बावाला, रावी, बैतियाँ लिंग नहर को पार करना था। राजा अज़ीज़ भट्टी ने उस महाज पर दुश्मन को नाको चने चुभवाए। उन्होंने अपने आराम की परवाह किए बगैर मुसलसल 5 रोज़ तक भारत को नहर के उस पार रोके रखा। पाकिस्तानी फ़ौज ने बहादुरी के वो जौहर दिखाए कि कौम का सर फ़ख्र से बुलंद हो गया। वतन के दिफा में अपनी जान का नजराना पेश करने वाले राजा अज़ीज़ भट्टी को निशाने हैदर के इजाज़ से नवाजा गया। अगला पैराग्राफ हम पढ़ते हैं। इस जंग में भर्री फौज के साथ साथ पाक फजाइया ने भी नुमाया कारनामे अंजाम दिए। 17 रोज़ इस जंग में फजाओं पर हमारे शहीनों का राज रहा। उन्होंने दुनिया को बता दिया कि सहरास्त के दरियास्त तह बालोबर मास्त। इस जंग ने दुनिया वालों को दिखाया कि सिर्फ जंगी दस्ते और फौजी बर्तरी ही नहीं बल्कि इत्तेहाद और जुर्रत, यकीन मोहकम और धरती से मोहब्बत ही वो जज्बे हैं जो किसी जंग में कामयाबी का सबब बनते हैं। जिस तरह 1965 में 10 करोड़ पाकिस्तानी इम्तिहान और आजमाइश की घड़ी में सुरखरू हुए थे, हम भी मुश्किल घड़ी में पीछे नहीं हटेंगे और मादरे वतन पर हर्फ नहीं आने देंगे। अल्लाह ताला पाकिस्तान को कायम दायम रखे, आमीन। प्यारे बच्चों, आपने मुकम्मल मज़मून याद करना है, याद करके लिख के अपने वालदैन को चेक करवाना है। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।